अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नई नसीहत आमोज़ वीडियो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी और आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर लेकर आएगी। चले आएंगे, बात करते हैं। अगर कारून को बता दिया जाए कि आपकी जेब में रखा एटीएम कार्ड उसके ख़जानों की उन चाबियों से ज़्यादा मुफीद है जिन्हें उसके वक्त के ताकतवर इंसान भी उठाने से आजिज़ थे, तो कारून पर क्या बीतेगी। अगर कसरा को बता दिया जाए कि आपके घर की बैठक में रखा सोफ़ा उसके तख्त से कहीं ज़्यादा आरामदेह है, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। और अगर कैसर रूम को बता दिया जाए कि उसके ग़ुलाम शुतुरमुर्ग के परों से बने जिन पंखों से उसे जैसी और जितनी हवा पहुंचाया करते थे आपके घर के दरमियाना से स्प्लिट एसी के हज़ारवीं हिस्से के बराबर भी नहीं थी, तो उसे कैसा लगेगा। आप अपने पुराने सी करोला कार लेकर हलाकू खां के सामने फ्राटे भरते हुए गुजर जाइए, क्या अब भी उसके अपने घोड़ों पर सवारी का तकबर और नखोवत बरकरार रही होगी। हरकल खास मिट्टी से बनी सुराही से ठंडा पानी देकर पीता था, तो दुनिया उसकी इस आसाइश पर हसद किया करती थी। तो अगर उसे अपने घर का कूलर दिखा दे तो वो क्या सोचेगा। खलीफा मंसूर के ग़ुलाम उसके लिए ठंडे और गर्म पानी को मिलाकर गुसल का अहतमाम करते थे और अपने आप में वो फूला नहीं समाया करता था, कैसा लगेगा उसे अगर वो तेरे घर में बनी जाकूजी देख ले। तो ऊँटों पर सवार होकर हज के लिए घर से निकलते थे और महीनों में पहुँचते थे, और आज तो चाहे तो जहाज़ में सवार चंद घंटों में मक्का पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी मिसाल मेरे प्यारे मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, जिनके लिए कुल कायनात बनाई गई है, जिनके लिए कुल कायनात बनाई गई है। उन्होंने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी है और उन्होंने हमारे लिए हमारी आसानियों के लिए दुआ मांगी है। मान लीजिए कि आप बादशाहों किसी राहत में ही नहीं रह रहे, बल्कि सच ये है कि बादशाह आप जैसी राहत का सोच भी नहीं सकते थे। मगर क्या कीजिए कि आपसे तो जब भी मिलें आप अपने नसीब से नाला ही नज़र आते हैं। ऐसा क्यों है कि आपकी जितनी राहतें और वसतें बढ़ रही हैं आपका सीना उतना ही तंग होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पर ये शुक्र अदा कीजिए खालिक की उन नेमतों का जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता।